हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखोगे ट्रेन से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे। तो दोस्तों, ये मान लो, सपोज ये एक ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें देखोगे, अब अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या होगा, तो अगर हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, टाइम लेंगे, यही लेंगे। तो देखोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। तो ये अगर ये ट्रेन है, तो इस ट्रेन का लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये इस साइड अगर जा रही है, तो इसका कुछ स्पीड होगा, और अब कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, या फिर कितने टाइम में ये पहुंचेगी वहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तो यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, ये सपोज ये ट्रेन अगर इस साइड जा रही है, अगर यहाँ पे एक कोई एक पर्सन है, या फिर कोई एक पोल है, तो इसे क्या करेगी, या कोई फिट इस तरह से कोई एक ट्री है, तो इसे क्या करेगी, एक समय क्या होगा, क्रॉस करेगी, है ना, क्रॉस करके तो जाएगी ना। तो इस समय यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, टाइम पता चलेगा कि हाँ, इतनी सेकेंड्स में इस पर्सन को इस ट्रेन ने क्रॉस कर दिया, या फिर इस ट्रेन ने इस इलेक्ट्रिक पोल को इतने सेकेंड्स में क्रॉस किया, या फिर ट्री को क्रॉस किया। आगे गया और यहाँ आपको एक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट मिला। अब ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो सकता है प्लेटफॉर्म, हो सकता है ब्रिज, हो सकता है टनल, हो सकता है, तो इसे भी क्या करेगी, ट्रेन किसी एक टाइम में क्रॉस करेगी, है ना, क्योंकि ट्रेन तो इधर ही जा रही है, ठीक है। तो इससे जो क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं कुछ एक सेकेंड्स लगा, या फिर मिनट्स भी लग सकते हैं, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मिनट्स भी लग सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम करेंगे क्या, तो देखोगे अगर ये छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर ट्री है, पर्सन है, इलेक्ट्रिक पोल है, तो इस समय हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस दिया हुआ भी नहीं रहेगा, इससे डिस्टेंस से मतलब नहीं होगा, बस ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट जब आपको आ जाए, तो वहाँ आपका देखोगे डिस्टेंस इसका गिवेन होगा, ठीक है, इसका लेंथ गिवेन होगा। मान लेते लेंथ ऑफ ब्रिज, टनल, प्लेटफॉर्म, जो भी होगा इसका एक लेंथ होगा। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसका लेंथ और इसके लेंथ को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, यानी टोटल लेंथ हम लोग निकालेंगे। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, बट टनल हो सकता है या फिर ब्रिज हो सकता है, क्लियर कंसेप्ट। बट इसके साथ हम डिस्टेंस को हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ दिया हुआ भी नहीं रहेगा, क्लियर। बट तो हम यहाँ पे क्या रहेगा, ये टाइम, और इसके साथ भी टाइम है। तो आप जब स्पीड निकालोगे, देखो तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन होगा, और एक तीसरा आपको फाइंड करना होगा। तो ध्यान से समझोगे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपका गिवेन है, मान लेते हैं डिस्टेंस और टाइम ही गिवेन दिया हुआ है, और स्पीड आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसके साथ टनल, ब्रिज, या फिर प्लेटफॉर्म के साथ अगर आपको फाइंड करना है स्पीड ट्रेन का, तो क्या करोगे, इन दोनों के इस लेंथ को प्लस करोगे और डिवाइड बाई टाइम, कितने टाइम में क्रॉस किया, और ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर कंसेप्ट। और यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा होगा, यहाँ पे देखोगे तीन ऑब्जेक्ट चाहिए, दो ऑब्जेक्ट गिवन होगा, मान लेते ये ट्रेन इस पर्सन को इतने सेकंड्स में क्रॉस कर दिया, ये गिवन होगा, और स्पीड भी दे दिया हुआ। चलो आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बस क्या करोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू इसका जो स्पीड होगा और कितने टाइम में क्रॉस किया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। अब बात यहां आता है यूनिट का। तो देखोगे अब यूनिट, तो दोस्तों सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस का यूनिट हम लोग लेते हैं। तो देखो कहीं आपको मिलेगा मीटर, कहीं आपको मिलेगा किलोमीटर, और टाइम अगर दे तो देखोगे तो यहां मिलेगा आपको सेकेंड्स, कहीं आपको मिल सकता आवर्स, मिनट्स भी होगा, बट हम लोग बेसिकली क्या लेंगे, सेकेंड्स और आवर, और डिस्टेंस को हम लोग मीटर और किलोमीटर, क्लियर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब ये स्पीड का यूनिट क्या होगा,
एक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और दूसरा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो स्पीड का याद रखोगे यूनिट मीटर पर सेकेंड, नहीं तो किलोमीटर पर आवर। ये छोटा है तो इसे हम लोग बोलेंगे छोटा यूनिट, और ये बड़ा आपको दिख रहा है तो इसे बोलेंगे हम लोग बड़ा यूनिट। बट दोस्तों याद रखोगे, अब इन दोनों में रिलेशन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन सेकेंड। आंसर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे जब तक आपको प्रोसेस पता नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोग निकालेंगे अभी। तो ये देखोगे कैसे निकालेंगे, ये हो गया किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू, वन किलोमीटर में कितना मीटर, तो बोलोगे 1000, ठीक है? ये हो गया मीटर डिवाइड बाय आवर। तो आवर को जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर कितना होगा, वन आवर में 60 मिनट्स और वन मिनट्स में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका सेकंड्स, है ना? ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल, ठीक है? टू से कैंसिल करोगे तो ये थ्री, इसे कैंसिल करते हैं तो फाइव, तो ऊपर आया दोस्तों फाइव, नीचे आया सिक्स, थ्री जा 18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो देखोगे किलोमीटर पर आवर अगर दिया हुआ है, अगर उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ गया। सपोज मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए ट्रेन यहां दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करोगे, 1000 रखोगे, 3600 रखोगे, ऐसे करोगे? नहीं, अब हम क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 से गया 2 और 5 को 2 से इंटू कर दो, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा फिर आंसर। तो अब पता कैसे चलेगा कि सर ये याद कैसे रखेंगे, तो पहले ये भी देख लो, अगर ये मीटर पर सेकेंड है स्पीड, हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो ध्यान दोगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, इसको आप यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 18 ऊपर और ये हो जाएगा 5 नीचे, तो ये बन गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो अब देखोगे अगर ये मीटर पर सेकेंड में है स्पीड, हमें कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ कन्वर्ट कर लो आप, ये हो जाएगा 10 इंटू, कितने से इंटू करेंगे, 18/5, तो ये हो गया 18/5, अब ये गया 2 टाइम्स, 18 टू जा हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। देखोगे पहले जो था कितना, 36 कन्वर्ट किए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट किए किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर? अब बात आता है कि आपको याद कैसे रहेगा, तो बस आप ये याद रखोगे 5/18, 18/5, 18 और 5 का कम्बिनेशन सिर्फ याद रखोगे। अब कैसे अप्लाई करोगे मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये क्या है आपका छोटा है और ये क्या है बड़ा, तो जब भी बड़ा से छोटा में जाओगे तो छोटा को ऊपर, छोटा ऊपर मीन्स 18 और 5 में छोटा कौन है, 5 है, तो 5 को ऊपर और 18 को नीचे, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किस में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट, याद रहेगा? और अगर आपको कन्वर्ट करना है बड़ा यूनिट में, बड़ा यूनिट मतलब अब मीटर पर सेकेंड गिवन है, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो फिर आप क्या करोगे, बड़ा को ऊपर और छोटा को नीचे, तो यहाँ बड़ा कौन है, तो बोलोगे 18, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे ये छोटा था 18/5, बड़ा ऊपर, तो कंसेप्ट क्लियर? तो पहले इसको रफ करते हैं, कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखोगे, यहाँ मान लेते हैं सपोज ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ठीक है? अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ध्यान दोगे। अब ये ट्रेन इस साइड जा रही है और ये ट्रेन इस साइड आ रही है, ठीक है? यानी जो डायरेक्शन जो है, अब ये ट्रेन इस साइड जा रहा है और ये ट्रेन इस साइड, यानी डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन, उस समय आपको करना क्या है, देखोगे यहाँ पे एक स्पीड होगा S1 लेते हैं, इसका एक स्पीड होगा S2 लेते हैं, ठीक है? और टाइम भी होगा और लेंथ भी होगा, वो अलग चीज़ है। लेंथ अगर ले लेते हैं, चलो लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ पे, और ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन T2 ले लेते हैं, इसको T1।
तो इस समय कंडीशन में क्या करोगे कि जो हमारा जो टाइम निकालेंगे ना, वो टाइम होगा, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जब भी दो बड़े ऑब्जेक्ट देखोगे प्लस कर दोगे लेंथ को, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन T1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन T2, इन दोनों का लेंथ को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। और स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसी फार्मूला से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हम ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्ट से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे, तो ये हो गया हमारा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय देयर स्पीड। तो अब स्पीड यहाँ क्या किसका रखेंगे, इसका रखेंगे या फिर इसका रखोगे, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे, अब ये ट्रेन जा रही है इस साइड और ये जा रहा है इस साइड, यानी डायरेक्शन जो क्या है अपोजिट, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड याद रखोगे आप S1 प्लस S2 होगा। कंसेप्ट क्लियर, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे S1 प्लस S2 से और ये निकल जाएगा टाइम। अगर सेम क्वेश्चंस अगर यहाँ पे क्या हो जाए, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए, मान लेते हैं दो ट्रेन है, इस ट्रेन का डायरेक्शन इधर है, इस ट्रेन का डायरेक्शन भी इधर ही है, ठीक है। इस कंडीशन में हम टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालना होगा, इसका स्पीड होगा S1, इसका स्पीड होगा S2, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो रिलेटिव स्पीड होगा ये हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उससे हम माइनस कर देंगे, या फिर S2 माइनस S1 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे S1 अगर ग्रेटर हो जाए S2 से, तो हम क्या करेंगे S1 से S2 को माइनस कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर, बाकी हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर, ये मैंने 18/5 और 5/18 का कम्बिनेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे। इसका अगर एक्स है, इसका वाई है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या आ जाएगा स्पीड। तो स्पीड क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा S1 माइनस S2, ये हो गया आपका कब, डायरेक्शन क्या था सेम, यानी सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी कंसेप्ट को क्लियर करवाया, इसी कंसेप्ट से प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने कंसेप्ट को क्लियर करवाया प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स को, जो आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।